शाजापुर जिले के पिपलोदा में शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर के समीप एक 15 से 20 फीट का गड्ढा है जो पानी से पूरा भरा हुआ है। इस गड्ढे के भीतर एक सरकारी कुआं भी है। प्राचार्य का कहना है कि कभी भी बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि हमने इसकी जानकारी जनपद पंचायत सीओ को दी थी एवं अधिकारियों को भी अवगत कराया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्राचार्य का कहना है कि इस गड्ढे को ऊपर उठाया जाए एवं कुएं को जाली लगाकर ढका जाए ताकि बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड मिल सके। सर, हमारे स्कूल में बहुत भयंकर समस्या है। मतलब स्कूल परिसर से लगा हुआ 15 फीट 20 फीट का गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर एक सरकारी कुआ है, वो सर हमेशा भरा रहता है और अभी बारिश में तो ये गड्ढा भी पूरा भरा रहता है। इस भरे हुए गड्ढे के कारण कुआ दिखता नहीं है। हमारी तरह से हम हर साल पंचायत में और अधिकारियों को भी अवगत कराते हैं, पर आज तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये बहुत बच्चों के लिए खतरनाक गड्ढा है सर। इसकी शिकायत आपने ऊपर की? सर, हमने हमारे विभाग में भी खबर कर दी और यहाँ पे पिछले साल जैसे हर गर्मियों में कुछ प्रोग्राम होते जनपद क्या है जनपद पंचायत के सीओ साहब आए थे, उनको भी बताया था। उन्होंने इनसे पंचायत वालों से बोला था, सरपंच साहब से, कि इसको मंडरा तरह भरवा दो, इसको ऊँचा उठवा दो, पर तब से कोई काम नहीं हुआ सर। इसमें शासन से आपकी क्या मंशा है? मैं ये चाहता हूँ कि छात्र हित में, ग्रामीण हित में, सभी के हित में इस कुएं को आज उसको ऊपर उठा के उसको जाली लगा दी जाए और इस गड्ढे को भरा जाए, ताकि हमारे पास सर खेल का मैदान भी नहीं है, खेल का मैदान भी हो जाए और बच्चों के जानू खतरा नहीं बना रहे। सर, हमको बहुत डर लगा रहता है सर कि यहाँ पे कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तार की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।